भैंस हाजिर हो। नहीं नहीं, यहाँ बॉलीवुड फिल्म मिस टनकपुर हाजिर हो की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हकीकत में कोर्ट में हाजिर हुई भैंस की बात कर रहे हैं। जी हाँ, राजस्थान के जयपुर में ऐसा ही अनोखा मामला देखने को मिला है, जहाँ पर चौमू कोर्ट में भैंस की बकायदा पेशी हुई, जिसे देख वकील भी हैरान हुए। हैरान हो भी क्यों ना, क्योंकि अमूमन कोर्ट परिसर में वकील, पुलिस और परिवादी आते जाते रहते हैं। वहाँ एक पशु को इस तरह कोर्ट में पेश होना पड़ेगा, शायद किसी ने भी नहीं सोचा होगा। अब भैंस को कोर्ट में क्यों लाया गया और क्या था पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। दरअसल घटना आज से 11 साल पुरानी यानी कि 26 जुलाई 2012 की है, जहां पर बिशनपुरा नींदड़ बालाजी के रहने वाले 48 साल के चरण सिंह सेरावत की 3 बेशकीमती भैंसें चोरी हुई थी। लाखों की कीमत की भैंसों के चोरी होने के बाद पीड़ित ने हड़माड़ा पुलिस थाने में पशु चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने मामले में जांच पड़ताल करते हुए कुछ ही महीनों के बाद भरतपुर के रहने वाले आरोपी अर्शद मेव को गिरफ्तार किया, जिसके बाद आरोपी के कब्जे से 3 में से 2 भैंसें बरामद हुई और 1 भैंस की मौत हुई। 10 साल पहले चोरी का मामला था, अरमाड़ा थाने मेरी पे से 3 भैंसें चोरी हुई थी, तो इनमें से थाने ने कार्रवाई करते हुए 2 भैंसों को बरामद कर लिया था। तो नगर थाने से हम लेके आए थे जाके। कितने दिन पुराना मामला है? 10 साल पहले का मामला था। फिर आज कोर्ट में आए थे आप, वापस क्या हुआ? आज कोर्ट ने गवाह के तौर पे मेरे को बुलाया था गवाही के लिए, तो मैं आ गया। आने के बाद में मेरे को बताया गया कि भैंस को भी लाना पड़ेगा, जो बरामद हुई है। तो मेरे साथ एक तो मर गई थी और एक भैंस थी, तो हमने भैंस को बुलवाया। फिर क्या मैसेज मिला, अब क्या हुआ? अब उन्होंने गवाया मतलब शिनाख्त करी है और हमारे बयान वयान ले लिए, वो भैंस हमको सुपुर्द कर दी। वही बरामद हुई भैंस को पुलिस ने मालिक को सौंप दिया, लेकिन भैंस वही है या फिर कोई दूसरी, इसके लिए सरकारी वकील ने भैंस की शिनाख्त के लिए कोर्ट परिसर में भैंस को लाने की गुहार लगाई, जिसके बाद कोर्ट ने भैंस को कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए। इस पर 10 अगस्त को भैंस मालिक चरण सिंह भैंस को गाड़ी में लेकर चौमू महानगर मजिस्ट्रेट क्रम संख्या 10 पहुंचा। भैंस को कोर्ट परिसर में देख क्या वकील और क्या लोग देखते ही रह गए। कोर्ट परिसर में कौतूहल के बीच गवाह सुभाष चौधरी भी कोर्ट में पहुंचा। इसके बाद कोर्ट परिसर में गवाह ने भैंस की पहचान की, फिर मालिक चरण सिंह को वापस अस्थायी तौर पर भैंस सुपुर्द की। ये अपने को मिली भरतपुर से, पुलिस वाले का ही फोन आया था वहाँ से, वहाँ के पुलिस वालों का फोन आया। हाँ, हीरा लाल जी से नहीं थे, एसएसओ साहब वहाँ। आपको पहचान कैसे हुई कि यही वो भैंस है? पहचान तो और क्या, फिर अपनी थी भैंस ही, जो रोज में और मिल गई घटना के बाद में। अच्छा, ये अकेली थी? 2 दिन बाद में तरह से पाएगी, थाने के अंदर से लेके आए? थाने के अंदर से लेके आई साहब रात। उसको कोई पाल रहा था या वैसे ही? नहीं, लावारिस थाने में थी। थाने वालों ने कोई सूचना दी कि ये लावारिस हालत में मिली? हरमाड़ा नहीं, आपको जब पकड़ के लेके आए थे? कहाँ से लाए थे? अपने पास तो आया था साहब, हरमाड़ा से आया था फोन, और क्या फिर एसएसओ साहब का, बेनीवाल जी का। इस तरह से नोटिस आया, समन आया था कि इसको यहाँ पेश करो? हाँ, बुलाया था इन्होंने। ऐसा नहीं है कि भैंस की पेशी के बाद मामला खत्म हो जाता है। इस मामले में अब तक सिर्फ तत्कालीन नगर थानाधिकारी हीरालाल सैनी, परिवादी चरण सिंह सहित 5 जनों के बयान हुए हैं, जबकि मामले में कुल 21 गवाह है। ये मैंने भी, मेरी 25 साल की प्रैक्टिस हो गई, ये पहला मुकदमा देखा है कि प्रोसिक्यूशन ने एप्लीकेशन लगाई, कोर्ट ने स्वीकार करी, भैंस को मंगाया गया। ये आज तक मैंने जब भैंस को कभी मंगाते हुए कोर्ट में देखा नहीं है, 25 साल के अनुभव है मेरा। भैंस के पास बकायदा इसका कोई नोटिस गया है कि? भैंस के कोई नोटिस नहीं गया, इसके मालिक को बुलाया गया, मालिक को आदेश दिए गए कि भैंस को
कोर्ट में पेश किया गया। मामला क्या था पूरा? ये 380 का मामला था, सरकार बनाम अरशद मेयर, उसमें एक्यूज की तरफ से मैं हूँ। ये तो फोटोग्राफर है। अच्छा ठीक है, अब पहचान क्या करेंगे? एडिपिटेशन कोई नहीं हुई अभी। भैंस जो है कहाँ से आई है, क्या पहचान हुई है? ये तो परिवादी लाया है, परिवादी कहाँ से लाया है, कहाँ से नहीं लाया है, ये अभी बता। ये संबंधित कौन से थाने का मामला है? संबंधित हरवाड़ा थाने का मामला है। अभी जैसे कितना पुराना मामला है? ये 10 साल पुराना मामला है। अब जिस तरह से अभी पहचान करके क्या बताया उन्होंने, जिस तरह से अधिकारी कह रहे हैं? उन्होंने पहचान किया कि एक ही भैंस है, भैंस थी दो, और मैं पूछा 20-25 साल उम्र है, उम्र के बाद में कह नहीं पाए वो। इसका मेडिकल हुआ ना? मेडिकल कोई नहीं हुआ, मेडिकल की एप्लीकेशन लगाएंगे हम, मेडिकल करवाया जाए। इसका किसके अंडर में रहेगी? ये अभी परिवादी के अंडर में एसपीआई सुपुर्दगी ली गई है, कोर्ट की सुपुर्दगी का आदेश नहीं हुआ है अभी। वो परिवादी की जिम्मेवारी। ऐसे में 16 गवाहों के बयान होना बाकी है, इसके लिए अगले माह 31 सितंबर को बाकी गवाहों को कोर्ट में आना होगा। कानूनी प्रक्रिया से गुजरने वाली भैंस का ना सत्यापन हुआ और ना ही मेडिकल। इसके लिए कानूनी तौर पर भैंस परिवादी को अभी सुपुर्द नहीं की गई है, बल्कि अस्थायी तौर पर परिवादी के कहे अनुसार सौंपी गई है। राजस्थान तक के लिए जयपुर से विशाल शर्मा की रिपोर्ट।